आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजू दुबे। सरकार महिला सुरक्षा कानून लाई और महिला सुरक्षा की बात कर रही है, उसके बावजूद भी कुछ आरोपियों द्वारा ऐसे दुष्कर्म और ऐसे मामले किए जाते हैं जो समाज के लिए तो कलंकित करते ही है, अपने परिवार के लिए भी कलंकित करते हैं। एक ऐसा ही मामला बक्सवाहा में सामने आया, जहां नौ माह पूर्व एक आदिवासी महिला को, जब वो खेत पे काम कर रही थी, तब दो आरोपियों द्वारा उठा के ले जाया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसे बंधक बनाकर गुजरात ले जाया गया। गुजरात में उसे करीब 12 दिन रखा गया। जैसे तैसे वो महिला वहाँ से बंधक बनी थी, वहाँ से छूट कर आई और बक्सवाहा थाने में उसने अपनी आपबीती सुनाई। देखिए पूरी खबर। लगभग 9 महीने पहले बक्सवाहा थाना क्षेत्र के कुंडजनी इलाके में रहने वाली एक आदिवासी महिला को दो शादीशुदा पुरुषों ने खेत पर काम करते समय उसे बंधक बना लिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद 12 दिनों तक गुजरात में बंधक बनाकर रखे रहे। महिला आरोपियों के चंगुल से छूटकर बक्सवाहा पहुंची, जहां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस ने इस मामले को दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश पर 9 महीने पूर्व दर्ज हुए इस मामले में आरोपी 47 वर्षीय भाया बरेला निवासी चाची सेमरा एवं 32 वर्षीय चमकिया बरेला को गुजरात के मोरबी से पकड़ा गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी आशुतोष रतोई ने के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसने उक्त आरोपियों को 4 दिन की मशक्कत के बाद गुजरात से दबोचा है।